हेलो एवरीवन, आई एम करण और आज हम जाने वाले हैं पंचारी हिल स्टेशन। ओके, उधमपुर में ही एक छोटा सा गांव है, हिल स्टेशन है, उसका नाम है पंचारी और सीरियसली बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इस सफर में हमारे साथ हैं हमेशा की तरह, आपको पता ही है, रवि भाई हमारे साथ ही होते हैं भाई। और काफी ज्यादा सुना है पंचारी के लिए भी, और काफी ज्यादा अच्छा हिल स्टेशन है, वहाँ पे देखते हैं, काफी ज्यादा स्नोफॉल हुई थी वहाँ पे, तो सोच रहे हैं यार वहाँ पे जाएं, थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपको दिखाएं कि कैसी वो प्लेस है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और वो देख लीजिए आप, वो युगदार वो देखिए, और नथाटा वाली साइड सिर्फ बर्फ ही बर्फ, स्नो ही स्नो है, और ऐसी ही स्नो हमें वहाँ पे मिलने वाली है। हाँ, तो चलते हैं फिर। पहला स्पॉट आ चुका है, इस जगह का नाम है कैथ गली, यहाँ से ही रोड जाता है पंचारी को। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं कैथ गली में। ओके, और यहाँ से पंचारी को रोड जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ से जो अंकल आ रहे हैं। और सीरियसली बहुत ही ज़्यादा ठंड है, कान ठंडे हो गए हैं। और हम आपको दिखाते हैं पीर पंजाल रेंज ऑफ माउंटेन्स। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं व्यू, ये पहाड़ जो आप देख रहे हैं, ये पूरी वहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये पूरी पीर पंजाल रेंज है। तो ये जो रेंज है पीर पंजाल रेंज, आधा ये लाइज करती है हिमाचल में और आधा करती है जम्मू कश्मीर में। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आ चुकी है और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, ऑफ रोडिंग चल रही है मेस्ट्रो पे। ब्रो हाउ द एक्सपीरियंस भाई? बड़ी बुरी हालत है रोड की, पीछे तक तो रोड बढ़िया था बट इधर से आगे तो काफ़ी ज़्यादा गंदा रोड है। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए यार, इतना अच्छा हिल स्टेशन है और इधर रोड की दिक्कत है। सो नाउ वी आर इन पंचारी और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ के, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई बर्फ़ दिल को छू लेती है। और अब हम जाने वाले हैं बाबा सांकरी टेम्पल में। सांकरी बाबा जी का ये जो टेम्पल है ना, ये लोकेटेड है पंचारी के मीर गांव में। पंचारी से मंदिर तक की दूरी है लगभग 4 किलोमीटर। हम पहुंच चुके हैं सांकरी बाबा टेम्पल के पास और हाथ में मेरे है मिल्टन की बोतल, गर्मा गर्म पानी, और पीछे नज़ारे कुछ ऐसे हैं, स्नो ही स्नो है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और हमारे करण भाई आगे जाते हुए, सांकरी बाबा का मंदिर बस आ ही गया, बस हमको यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है ना। ओह, यहाँ पे करण भाई फिसलते हुए, और काफ़ी ध्यान से स्नो शूज़ डाल के आना चाहिए था ना, हम ऐसे ही आ गए। पर जगह तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है यार। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हमारा हो रहा है ब्रंच। ब्रंच इसलिए क्योंकि लंच ना हमने ब्रेकफास्ट किया ना हमने लंच किया। अच्छा लाया क्या ये बताओ, इसलिए लाया अब देखना पड़ेगा मेरे को। खोलो खोलो बेटा, ये आ गई सब्जी, सब्जी आ गई, ये आ गई हमारी चपाती, चपाती, और क्या लाया, और ये आ गया हमारा अचार, बस फिर तो ये आ गया हमारा गर्म पानी। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पानी टपक रहा है और इसके ऊपर है बर्फ, बिल्कुल बर्फ दिख रही है, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश है दिखाने की। और ये देखो बर्फ, बर्फ में मजा ही कुछ और होता है यार। यहाँ पर है हमारी स्कूटी और अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा चक्कर लगा के आते हैं इस साइड, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कैसी जगह है ये। फुल ऑफ स्नो है, आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बर्फ़ है, तो चलते हैं फिर।
लेट्स गो। तो गाइस हमें कुछ मिला है हमें तलवारें जैसी मिली हैं। तो अभी जब हम चल रहे हैं स्नो में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। सीरियसली स्नो में इसलिए चल रहे हैं कि गाड़ी इधर से आगे जा नहीं रही है। जो गाड़ी 4x4 होगी वही जा सकती है आगे। और पीछे सनसेट होने में अभी टाइम है। और यहाँ पे अपने करण भाई चल रहे हैं। करण भाई कैसा लग रहा है? नज़ारे भाई मेरी कश्मीर जाना छोड़ो, इधर आ जाओ। यहाँ पे होटल्स वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल गाइस, सीरियसली ये जगह भी अल्टीमेट है यार। वाह मज़ा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे करण भाई पता नहीं कुछ तोड़ने जा रहे हैं, पता नहीं क्या तोड़ने जा रहे हैं। ओ गॉड, बर्फ का पूरा शीशा जमा हुआ था और करण भाई ने उसको तोड़ दिया। गांव में करता था छोटा छोटा। ठीक है भाई। और ये देखिए बर्फ के बड़े बड़े गोले। और आगे का व्यू आप देख ही सकते हैं। देखते हैं अब कहां तक जा सकते हैं हम। ओ अभी करण भाई लगता है छलांग लगाने वाले हैं। गाइस करण भाई छलांग लगाने वाले। यस गाइस, वाह करण भाई फुल मस्ती के मूड में है। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं और खूबसूरत मंजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। भाई गॉड, यहाँ पे आना ना वर्थ इट है सीरियसली। क्या बोलते रवि भाई? बिल्कुल भाई, यहाँ पे आना बिल्कुल वर्थ इट है। बस एक टर्न के बाद हम आपको दिखाते हैं इसके नज़ारे। बहुत ही सुंदर नज़ारा हमको दिख रहा है अभी। गाइस मैंने आपको बोला था ना कि एक टर्न के बाद आपको बहुत ही अच्छी जगह दिखने को मिलेगी। वो जगह हम जा नहीं सकते लेकिन दूर से तो देख ही सकते हैं। और ये देखो नज़ारे, कुछ इस तरह के नज़ारे पंचारी के। सीरियसली बड़ा ब्यूटीफुल है यार। अभी भी हम चल रहे हैं तो यार जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इतना खतरनाक नज़ारा आ रहा है ना यार। ओ भाई करण भाई आप बताओ कैसा है यार आगे तो देख। करण भाई की एक्सप्रेशन से आप फील कर सकते हो कि आगे कैसा नज़ारा होगा यार। ये तो गुलमर्ग, मतलब ऐसे लग रहा है कि पीर पंचल के जो माउंटेन्स है ना वो बिल्कुल हमारे सामने आ गए हैं। भाई गुलमर्ग यार, इधर आओ आप एक बार आगे का व्यू देखिए गाइस। तो गाइस आप देख ही सकते हैं सामने की खूबसूरती। और पीर पंचल के पहाड़ बक्स आने ही वाले हैं, सामने आने वाले हैं। ये देखिए यार काफ़ी ज़्यादा अल्टीमेट लग रहा है। और आप सोच नहीं सकते इस वक्त हमें ठंड नहीं लग रही है बिल्कुल भी, हमें गर्मी लग रही है क्योंकि हम इतना पैदल चल के आए हैं। और ये देखिए पहाड़ गाइस, वाओ ऊपर चले, अति सुंदर। और यहाँ पे देवदार भी आ चुका है। वाह ये देखिए वहाँ पे पहाड़ है, वहाँ से लेके ये देखिए ये यहाँ तक पहाड़ी पकड़े यार। आए तो थे हम हाइक करने लेकिन यहाँ पे ट्रैक ही हो रहे साथ साथ में। बहुत ही मज़ा आ रहा है। और यो गाइस मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। गाइस बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। कैमरे की बैटरी, हमारी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, पूरी कंप्लीट बैटरी हमारी ख़त्म हो गई। ओह अभी भाई जाना ही पड़ेगा भाई, इधर देखो तो सही आप। हाय वो बहुत तेरी आज का सनसेट काफ़ी मज़ेदार। ये ले भाई, ये लो मज़ा आ गया भाई, खा लो इंजॉय करो। और अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, 5 बज चुके हैं। तो अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है इसलिए हम जा रहे हैं वापस। हाँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया करण भाई, बताइए। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, कम से कम भी 4-4 फीट बर्फ़ थी। और भाई हमने बड़े मज़े लिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और सही बात बताऊँ तो इतनी दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी जगह है। आप आओ विज़िट करो यहाँ पे, नथा टॉप क्यों जाना है या उधर पनी टॉप वगैरह इतनी क्राउडेड जगह पे क्यों जाना है। यहाँ पर आओ यार, अपने युगदार में जाओ, अपने इधर
पंचहरी हिल्स में आओ, ये जंगल गली जाओ, इतनी अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है नहीं, क्यों क्राउडेड प्लेस में जाना। और हाँ भाई, वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना तो लाइक कमेंट तो करना ही है। हाँ। पर उससे जरूरी बात ये है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। एक एक सब्सक्राइबर जब हमसे जुड़ता है ना तो हमें मोटिवेशन देता है, मोटिवेशन मिलती है और आगे भी हम ऐसे ही बहुत ही खतरनाक एडवेंचर। अभी ये तो यार बिगनिंग है, ये तो हमारी बिगनिंग है, अभी हमने दूर तक जाना है, तो प्लीज यार सपोर्ट करना, ठीक है। और यार मौसम वेदर इतना अच्छा हो रखा है ना, दूर तक दूर दूर तक बादल बिल्कुल भी नहीं है, आप देख ही सकते हो। और बर्फ, लोकेशन जो है ना अल्टीमेट है यार, अल्टीमेट बर्फ बिल्कुल चमक रही है, बिल्कुल चमक रही है। तो चलते हैं फिर घर पे, ठीक है। सो गाइस फाइनली मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।